श्री गोविंद सिंह जी ठाकुर, वहां के सांसद श्रीमान रामस्वरूप शर्मा जी भी तकनीक के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल है। उनके साथ अटल जी के प्रिय गांव जो मनाली में, जिस गांव में अटल जी जाकर के रहा करते थे, अटल जी के प्रिय गांव से भी इस समारोह में वहां लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस मंच से मैं सबसे पहले देश के लोगों को, दुनिया को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैरी क्रिसमस। आज भारत के दो दो रत्नों, हम सभी के श्रद्धे अटल जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिवस भी है। मैं इन दोनों महापुरुषों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। देश की तरफ से इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे बताया गया है कि प्रीणी में, जो मनाली के पास है, आज अटल जी की स्मृति में सबने मिलकर के गांववासियों ने एक हवन की योजना की, कई अनेक कार्यक्रम भी बनाए हैं। साथियों, आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। ये सिर्फ हिमाचल या लेह लद्दाख इतना सीमित नहीं है। एक प्रकार से अटल जी के विजन का पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम महत्व है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये अटल जी ही थे जिन्होंने इस टनल के महत्व को समझा और उसके निर्माण का मार्ग बनाया था। अटल जी के नाम पर इस टनल का नामकरण होना हिमाचल के प्रति उनके लगाव और अटल जी के प्रति आप सभी के आदर और असीम प्यार का भी प्रतीक है। साथियों, मेरे लिए यह भी खुशी की बात है कि मैं उन दिनों में संगठन का काम करता था, हिमाचल में रहा करता था, और जब भी अटल जी का मनाली आना होता था प्रधानमंत्री के रूप में भी, तो स्वाभाविक रूप से एक संगठन की जिम्मेवारी होने के कारण मैं भी वहां रहता था। और ये जो सारा मंथन चला था इस कार्यक्रम का, इस योजना का, तो मुझे भी बड़ी नजदीक से, बड़ी बारीकी से इन चीजों को सुनने का, समझने का मौका मिला था। तब कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे अटल जी के उस सपने को अटल जी के नाम से जोड़ने का आज सौभाग्य मिलेगा।
करगिल के युद्ध के बाद सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। और अब सुरक्षा की दृष्टि से तो अनेक अनेक प्रकार के इसके महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन साथ साथ लेह लद्दाख और करगिल ये एक टनल वहां का भाग्य बदल देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, पानी का विषय अटल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, उनके हृदय से बहुत करीब था। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो शांता कुमार जी, जो कभी हिमाचल के मुख्यमंत्री भी रहा करते थे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, शांता कुमार जी के नेतृत्व में उस समय पानी को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था। लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई। हमने पिछले सरकार के दरमियान तो इस पर बल दिया और अब एक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल, अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। साथियों, ये पानी ही है जो घर, खेत और उद्योग सबको प्रभावित करता है। और हमारे यहां पानी के स्रोतों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। पानी का ये संकट एक परिवार के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम सबके लिए चिंता का विषय तो है ही, एक देश के रूप में भी ये विकास को, हमारे सपनों को साकार करने में प्रभावित करता है। न्यू इंडिया को हम जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए हम सबको मिलकर के इस स्थिति को मजबूत करना ही होगा। और इसके लिए हम पांच स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, पानी से जुड़े जो डिपार्टमेंट है, हमने उनके साइलोस को तोड़ा है। दूसरा, भारत जैसे विविधता भरे देश में हमने हर क्षेत्र की जमीनी स्थिति को देखते हुए योजनाओं का स्वरूप तय करने पर जोर दिया है। तीसरा, जो पानी उपलब्ध होता है उसके सही संचयन और वितरण पर ध्यान दिया। चौथा, पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल हो, पानी की रिसाइकलिंग हो, इसे योजनाओं में प्राथमिकता दी। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण वो है जागरूकता और जनभागीदारी। साथियों, चुनाव से पहले जब हमने पानी के लिए समर्पित
एक जल शक्ति मंत्रालय की बात की थी तो कुछ लोगों को लगा कि ये कैसा वादा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि क्यों इसकी जरूरत थी। साथियों, वर्षों से हमारे यहां पानी से जुड़े विषय, चाहे रिसोर्सेज हो, कंजर्वेशन हो, मैनेजमेंट हो, तमाम ऑपरेशन और काम अलग अलग डिपार्टमेंट में बंटा हुआ था। यानी एक तरह से कहें तो जिस साइलोज की मैं बात करता हूं, अगर हम सिर्फ पानी विभाग को ही देखें तो पता चलता था कि सरकार कितने साइलोज में बंटी हुई है। इस वजह से कहीं राज्य और केंद्र सरकार में, कहीं केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में, कहीं अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती थी। इसका नुकसान यह हुआ कि पानी जैसी मूल आवश्यकता के लिए जो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, वो पहले की सरकारों के समय अपनाई नहीं जा सकी। जल शक्ति मंत्रालय ने इस कंपार्टमेंटलाइज अप्रोच से पानी को बाहर निकाला और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को हमने बल दिया। इसी मानसून में हमने देखा है कि समाज की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के लिए व्यापक प्रयास हुए हैं। साथियों, जिस क्षेत्रीय विविधता की बात मैंने की, वो पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां तो कहा जाता है कि हर कोस पर पानी बदल जाता है, पानी और वाणी दोनों के लिए कहा गया है। अब जो देश इतना विविध हो, इतना विस्तृत हो, वहां पानी जैसे विषय के लिए हमें हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी सोच ने अटल जल योजना का आधार तय किया है। यानी एक तरफ जल जीवन मिशन है जो हर घर तक जल पहुंचाने का काम करेगा, और दूसरी तरफ अटल जल योजना है जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे गए हैं और तेजी से नीचे जा रहे हैं। आज की पीढ़ी दो चीजें बड़ी आराम से देख सकती है। एक, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदल रही है, आपको पता चलता है कि पिछले महीने तो टेक्नोलॉजी में ये था, इस महीने ये आ गया। अगर बारीकी से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था, इस साल और नीचे चला गया। थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपकी आंखों के सामने पानी कितना नीचे चला जा रहा है। मुझे बराबर याद है जब मैं पंजाब में काम करता था, उस समय पंजाब में इस बात की चर्चा होती थी कि हाँ, पानी इतना ऊपर है कि खेती में काम को नुकसान होता है। आज 20 साल हुए, वहां पर से शिकायत ये है कि पानी इतना नीचे चला गया है कि खेती करना मुश्किल है। यानी कैसे हालत तेजी से बिगड़ रहे हैं। अगर हम सब जागरूक नहीं होंगे, जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे, तो हम खुद ही अपने आप को कितने गहरे संकट में डाल देंगे। साथियों, इस योजना से महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात, इन 7 राज्यों के भूजल को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिली। कहने के तो 7 राज्य हैं, लेकिन एक प्रकार से ये हिंदुस्तान का 50% हिस्सा है। बाकी हिस्सा वो है जहां अधिक पानी की समस्या है, बार बार फ्लड आते हैं, बार बार पानी के कारण मुसीबतें आती है, और ये इलाका ऐसा है जो पानी के बिना तरस रहा है। हिंदुस्तान ऐसे संकट से घिरा हुआ है, और
देश का प्रधानमंत्री और देश का जल शक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पानी की किल्लत क्या होती है जो जन्म से जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने उस मुसीबत को झेला है, आंखों के सामने देखा है, और इसलिए इस पीड़ा को, इस दर्द को हम भलीभांति समझ पाते हैं, और इसलिए मिशन मोड में काम करने का मिजाज भी बनता है। साथियों, इन 7 राज्यों के 78 जिलों में 8,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इसका क्या खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ता है, वही समय सारे गांव वाले टेक्नोलॉजी से हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस बात को सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, इसके महात्मा को समझ रहे हैं। इन क्षेत्रों के किसानों की, पशुपालकों की, छोटे छोटे उद्यमियों की, वहां की महिलाओं की दिक्कतें किसी से छिपी हुई नहीं है। साथियों, लोगों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिले, जल स्तर में सुधार हो, इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जरूरी डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा, और सबसे प्रमुख बात, हमें जल संरक्षण और जल संवर्धन पर बल देना होगा ताकि पानी की एक एक बूंद का उचित उपयोग हो। और ये आखिर होगा कैसे? इस टीम का नेतृत्व करेगा कौन? क्या आप सर करेंगे, सरकारी मुलाजिम करेंगे, ब्यूरोक्रेट करेंगे? जी नहीं, इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा, उन लोगों को जोड़ना होगा जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के संकट से प्रभावित है। इसके लिए हमें अपनी उन माताओं बहनों के पास जाना होगा जो घरों की असली मुखिया होती है। घरों में पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार ही हो, जहां तक संभव हो रिसाइकल किए पानी से काम चलाया जाए, ये अनुशासन घरों के भीतर भी लाना ही होगा। और मैं तो स्टार्टअप वाली दुनिया से भी कहूंगा कि वो ऐसी चीजों का निर्माण करे कि जहां कम से कम पानी से अधिक काम हो पाए। टॉयलेट की रचना कैसी हो, टॉयलेट को फ्लश करना है तो कितना पानी लगेगा, कम से कम पानी कैसा हो। कुछ लोगों ने बनाया है कि वॉश बेसिन का जो पानी होता है वो टॉयलेट की टंकी में जाता है, और फ्लश करना होता तो वही पानी फिर से उपयोग में आता है। कई प्रयोग हो रहे हैं। स्टार्टअप दुनिया के लोग इसमें आगे आ सकते हैं, और पानी की बचत हो, इस प्रकार से पानी का उपयोग घरों में कैसे हो, ऐसी व्यवस्था, जैसे हमने LED बल्ब का अभियान चलाया, 11,000 मेगावाट बिजली बचाने में LED बल्ब अभियान काम कर गया। उसमें किसी घर मालिक को हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ा कि भैया चालू करूं कि बंद करूं, एक व्यवस्था से ही बड़ा बदलाव आया। अगर स्टार्टअप दुनिया के लोग आगे आते हैं तो मुझे विश्वास है कि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होगी जिसके कारण कम से कम पानी में गुजारा करने की आदत हो। लेकिन घर उपयोग में आने वाला पानी, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती। सबसे ज्यादा पानी का उपयोग हमारे यहां खेती में होता है। अगर हम वहां फोकस करेंगे, और इसके लिए हमें किसानों के पास विशेष रूप से जाना ही होगा। हमारी खेती भूजल से सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर है, और लेकिन यह भी सच है कि हमारी सिंचाई के पुराने तौर तरीकों से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाता है। हमारे किसान की एक साइकी बनी हुई है,
किसान की बनी हुई है, ऐसा नहीं, हम तो हम लोगों की बनी हुई है। बाल्टी भर पानी से नहाना है तो लगता है नहाए नहीं है जब तक कि फवारा नहीं चल रहा है। जैसे हमारी साइकी बनी हुई है वैसे ही किसान को भी पूरा खेत पानी से लबालब भरा हुआ नहीं दिखता है तब तक उसको चैन नहीं होता है। उसको लगता है कि बस अब लबालब पानी भर गया, बस अब खेती ठीक है। और पानी जमीन के लिए है कि पौधे के लिए, इसका भेद ही समझ नहीं है। एक्चुअली पानी पौधे को चाहिए लेकिन किसान पानी जमीन को देता है, उसका दोष नहीं है, हमने उस तक सही बात पहुंचाई नहीं है। उसी प्रकार से फसल, जब पता है भाई कि कुछ फसल ऐसी है जो पानी सबसे ज्यादा लूटती है, लूटती है मैं कहता हूं, अब उन फसल से कैसे बाहर आए, हम फसल में परिवर्तन कैसे करें। मैं हरियाणा सरकार का बधाई देता हूं, मनोहरलाल जी खट्टर ने वहां के किसानों को स्पेशल इंसेंटिव अभियान चलाया और कम पानी वाली फसलों की तरफ ले जाने के लिए बड़ा सफल प्रयोग किया है। हरियाणा को बचाने का एक बड़ा अभियान है, वो सारे देश में करना पड़ेगा, उसके बिना हम स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। इसके अलावा गन्ना हो, धान हो, बहुत सी ऐसी फसलें भी है जो बहुत ज्यादा पानी चाहती है। इस प्रकार की फसलें जहां होती हैं वहां कई बार ये पाया गया है कि इन जगहों पर भूजल का स्तर तेजी से घटता जा रहा है। इस स्थिति को बदलने के लिए हमें किसानों को वर्षा जल के संचयन के लिए, वैकल्पिक फसलों के लिए जागरूक करना होगा, उन्हें इस आंदोलन का नेतृत्व किसानों को देना होगा। ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन की तरफ बढ़ना होगा। मुझे बराबर याद, मैं गुजरात में था, मैंने वहां जो शुगर फैक्ट्रीज थी उनको बड़ा दबाव डाला था कि आप के यहां जो गन्ना के किसान हैं उनको समझाइए कि वो स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से गन्ने की खेती करें। गन्ना किसान ये मानने को तैयार नहीं था कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से गन्ना पक सकता है, मानने को तैयार नहीं था। हमने कंपलसरी किया उसी का गन्ना लिया जाएगा जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेगा। जब ये कंपलसरी हो गया, अभियान चलाया, दबाव डाला, शुगर फैक्ट्री की तरफ थोड़ा आर्थिक मदद की, गुजरात सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की, परिणाम ये आया कि फसल ज्यादा हुई, शुगर कंटेंट भी बढ़ा। इतना ही नहीं, जो लोग गन्ने को जानते हैं उनको मालूम है गन्ने की जो दो गांठ होती है अगर वो पास पास होती है तो उसका शुगर कंटेंट कम होता है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उनका शुगर कंटेंट बढ़ता है। उनको ये सिर्फ पानी की पद्धति बदलने से उनका शुगर कंटेंट बढ़ गया और कभी कभी तो वो प्राइस लेने लग गए। अब देश में धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा है कि फ्लड वाटर की जरूरत नहीं है, हम स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से भी गन्ना की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये संकल्प हमने खेत में हर किसान तक पहुंचाना पड़ेगा और कभी कभी किसान को उसकी भाषा में भी समझाना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि परिवार में मानो एक बहुत ही दुबला पतला बच्चा है, शारीरिक विकास नहीं हो रहा, हेल्दी नहीं हो रहा है, वजन भी कम है और बड़ा कभी हंसता भी नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, बड़ी मुश्किल से इधर से उधर देखता है, ऐसा दुबला पतला है। और माँ बाप को लगे कि नहीं इसकी तबीयत ठीक करनी है तो बाल्टी भर दूध ले आए, उसमें बादाम डाले, केसर डाले, बढ़िया बढ़िया चीजें डाले और दिन में 3 बार
उस पानी से उसको नहला दे, फर्क आएगा क्या? मजबूती आएगी क्या? अगर उसके बजाय सिर्फ 200 ग्राम दूध लेकर के चम्मच से पिला दें तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? किसान को उसकी भाषा में समझाना होगा, उसको तुरंत समझ आएगा हाँ यार ये गले उतरता है। दो चम्मच दूध पिलाते पिलाते ठीक कर सकते हैं, ये बाल्टी भर पानी दूध से नहलाने से नहीं होता है, फ्लड इरिगेशन से नहीं होता है, बूंद बूंद पानी से परिवर्तन आता है, ये बात उसको समझानी होगी। साथियों, जब हम घर के लिए कुछ खर्च करते हैं तो अपनी आय और बैंक बैलेंस भी देखते हैं, अपना बजट बनाते हैं। ऐसे ही जहां पानी कम है या ज्यादा है वहां गांव के लोगों को वाटर बजट बनाना बहुत अनिवार्य है, और उस आधार पर फसल उगाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना होगा। मैंने तो देखा है जब गांव में अगर वाटर सिस्टम शुरू हो जाती है और नल से पानी आना शुरू हो जाता है, शहरों में तो खास, तो वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि सुबह 6 बजे पानी आता है तो बाल्टी नल के नीचे उल्टी रख देते हैं और नल चालू करके सो जाते हैं, ताकि सुबह घंटी का काम वो नल करता है, 6 बजे पानी आता है तो बाल्टी से आवाज आती है तो घर वाले जाग जाते हैं। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, और फिर उठने के बाद मन करता नहीं करता आधा घंटा तो पानी चला ही जाता है। ऐसी कई कई चीजें हैं जो हम धीरे धीरे बदल सकते हैं। वैसे ही गांव में भी, और मैं कहूंगा यहां जो गांव के लोग आए हैं और जो गांव के लोग आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि अटल जल योजना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है, हम सब किसानों की है। हम सब मिलकर के जितना अच्छा काम करेंगे उससे गांव का तो भला होगा ही, ग्राम पंचायतों का भी भला होगा। अटल जल योजना में इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम पंचायतें पानी के लिए बेहतरीन काम करेंगी उन्हें और ज्यादा राशि दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो और अच्छा काम कर सके। मेरे सरपंच भाइयों और बहनों, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी भागीदारी देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अटल जल योजना से जुड़े सभी 8,300 सरपंचों से कहना चाहता हूं कि आपकी सफलता न सिर्फ अटल जल योजना को कामयाब बनाएगी बल्कि जल जीवन मिशन को भी मजबूती देगी। और कैसे करता है ये आप अगर थोड़ा जानने का प्रयास करोगे तो भली भांति आप उसको उठा लोगे। ये देश के प्रत्येक नागरिक को भी जानना जरूरी है। साथियों, आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज देश के 3 करोड़ घरों में ही, मैं यहां किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया लेकिन सच्चाई हमें पता होनी चाहिए, 3 करोड़ घरों में ही नल से जल पहुंचता है। सोचिए 18 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ घरों में 70 साल में जो काम हुआ है, हमें उससे अनेक गुना काम आने वाले 5 साल में करना है। यानी 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पानी, साफ पानी, पाइप से पानी पहुंचाना है।
आपने देखा होगा इन दिनों दिल्ली में पानी को लेकर के कितनी जागरूकता और कितनी नाराजगी आई है लोगों की। चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि हमें दिल्ली में देश की राजधानी और गंदा पीने का पानी अशुद्ध चिंता का विषय बना हुआ है, और इसके लिए अगले 5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च पानी के लिए खर्च करने जा रहे हैं। हो सकता है कल कोई हेडलाइन बना देगा 3.5 लाख करोड़ पानी में, साथियों पानी अपने आप में ये संकल्प हमारा बहुत बड़ा विराट है, लेकिन हमारे पास सफल होने के सिवाय देशवासियों के पास कोई विकल्प नहीं है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान में देश का हर वर्ग जुड़ गया, मीडिया ने भी नेतृत्व किया, कॉरपोरेट वर्ल्ड ने भी नेतृत्व किया, गवर्नमेंट मशीनरी ने नेतृत्व किया, हर किसी ने इसको अपनी जिम्मेवारी माना, पानी को भी हर किसी को अपनी जिम्मेवारी समझना होगा। और पानी परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है, इसको बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं। ऐसे में हमारी प्रतिबद्धता जमीन पर देश के गांव गांव में दिखनी बहुत आवश्यक है। आज जो जल जीवन मिशन की गाइडलाइन जारी की गई है वो इसमें हम सबको मुझे क्या करना है, गांव में क्या करना है, इसकी पूरी पूरी उसमें जिम्मेवारियां तय है। साथियों जल जीवन मिशन का यह अभियान सिर्फ हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने से नहीं जुड़ा हुआ है, हमारी मां बहनों को घर से दूर जाकर पानी न लाना पड़े, उनकी गरिमा का सम्मान हो, उनकी जिंदगी आसान बने, ये भी हम सबका दायित्व है, इस मिशन का लक्ष्य है। आज भी जब किसी बुजुर्ग मां को पानी के लिए भटकते देखता हूं, जब किसी बहन को सिर पर मटके रखकर मीलों पैदल चलते देखता हूं, तो बचपन के वो सारे दिन सामने याद आ जाते हैं कि अब इतने सालों के बाद भी हम जिंदगी ऐसे बिता। देश भर की करोड़ों ऐसी बहनों को पानी जुटाने की तकलीफ से भी मुक्ति दिलाने का समय हम सबकी जिम्मेवारी के रूप में आ चुका है। जैसे हमने हर घर में शौचालय पहुंचाए, उसी तरह हर घर में जल भी पहुंचाएंगे। ये जिम्मेवारी एक प्राण के रूप में, एक मिशन के रूप में देशवासियों को लेनी होगी और हमें सबने मिलकर के काम करना पड़ेगा। और जब संकल्प ले लिया है तो इसे सिद्ध करना भी हमें नई शक्ति देता है, नया उत्साह देता है, सफलता और अधिक कुछ करने के लिए प्रेरणा देती है। साथियों गांव की भागीदारी और साझेदारी की इस योजना में महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज की का भी इसके अंदर एक सुगंध है, इसमें महक है। पानी से जुड़ी योजनाएं हर गांव के स्तर पर वहां की स्थिति परिस्थिति के अनुसार बने, ये जल जीवन मिशन की गाइडलाइन बनाते समय ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत या पंचायत इसके द्वारा बनाई गई पानी समिति ही अपने स्तर पर पानी से जुड़ी योजना बनाएगी, उसे लागू करेगी, उसकी देखरेख करेगी। और इसलिए हमें पानी की लाइन की प्लानिंग से लेकर उसके प्रबंधक तक से गांव को जोड़ने का काम हमें करना है। हमें हमेशा याद रखना है कि गांव के मेरे भाई बहनों के पास, बुजुर्गों के पास पानी के स्रोतों को लेकर, पानी के भंडारण से जुड़ी बातों का खजा, पुराने जमाने में क्या होता था, हम कैसे करते, आप किसी भी गांव में जाइए, गांव के हर व्यक्ति को पानी के संबंध में वो क्या करते थे उसकी पूरी जानकारी होगी, एक लिविंग मेमोरी उनके पास होती है। हमें गांव के लोगों से
मैं नहीं मानता हूं इससे बड़ा कोई एक्सपर्ट के लिए या कोई कंसल्टेंसी फर्म की जरूरत है। गांव के बुजुर्ग इसमें काफी हमें गाइड कर सकते हैं। और इसलिए गांव के लोगों के अनुभव का हमें पूरा इस्तेमाल करना है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास जल जीवन मिशन में ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों को उनको अधिकार देना, वही अपने गांव का भविष्य के लिए आगे बढ़े, उन्हीं को आत्मनिर्भर बनाना, यही इस कार्यक्रम की विशेषता है। इस मिशन के लिए हर गांव में एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, गांव के स्तर पर ही एक्शन प्लान बनेगा। और मैं इस क्षेत्र में काफी सालों तक काम करके आया हूं, तो मुझे मालूम है जब मैं गुजरात में था, कच्छ में रेगिस्तान, पानी की बड़ी किल्लत रहती है, तो हमने महिलाओं के ही समितियां बनाई, पानी समिति महिलाओं की, सब महिलाएं जिम्मेवार। और हमारा अनुभव यह आया कि उन महिला समितियों ने हैंडपंप को कैसे रिपेयर करना वो भी सीख लिया, मोटर कब चलाना कैसे चलाना वो भी सीख लिया, पानी का यानी टैक्सेस जो थे वो भी महिलाएं बिल्कुल 100% कलेक्ट करती थी, और इंटरनेशनल एजेंसीज ने उनको अवार्ड दिए थे। महिलाओं ने इतनी संवेदनशीलता के साथ इस पूरे काम को आगे बढ़ाया था, आज भी कर रही है, और उसमें एक्सपर्टाइज आ गई उनकी, पानी के संबंध में गहरी समझ आ गई है, पानी के साथ जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, इसको भी वो खोजती रहती है, कुछ न कुछ नए प्रयोग करती रहती है। हम भी चाहेंगे कि पूरे देश में किसान भी खुद नेतृत्व करें, माताएं बहनें भी नेतृत्व करें, और मेरा ये आग्रह होगा कि इस कमेटी में कम से कम हो सके तो 100%, अगर नहीं संभव है तो कम से कम 50% तो हमारी बहनें, हमारी माताएं होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, साफ पानी आ रहा है या नहीं इसकी जांच के लिए गांव के ही निवासियों, वहां के बहन बेटियों को ट्रेन किया जाएगा। इसी तरह कौशल विकास योजना के माध्यम से बड़े स्तर पर गांव के युवाओं को फिटर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मिस्त्री, ऐसे अनेक कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि एक पूरा इकोसिस्टम वहीं डेवलप हो। इन सारे प्रयासों के बीच कुछ दुर्गम इलाकों में, कुछ सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम और भौगोलिक स्थिति की वजह से वहां पानी नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, मुश्किल काम होता है, उसके लिए भी वहां की आवश्यकता के अनुसार हमें काम करना होगा। उन जगह को हम छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे स्थानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं को हमने विकसित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 95वीं जयंती भी है, उस उपलक्ष में कई योजनाओं का शुभारंभ करते हुए जल जीवन मिशन, एक बहुत बड़ा मिशन जिसके तहत 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा, इसको साकार करना है, जिसके लिए 3.5 लाख करोड़ रुपयों का बजट भी रखा है, उसकी प्लानिंग, उसकी योजना तैयार है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अटल भूजल योजना, जिसके तहत 7 राज्यों में, 78 जिलों में और 8,700 से ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं जहां पर भूजल स्तर काफी हद तक गिर चुका है, उसको कैसे बढ़ाना है, जल संचयन कैसे करना है, कैसे रिचार्ज करना है वाटर को, पानी को कैसे, उसकी मात्रा को बढ़ाना है, बहुत से एग्जांपल्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बातों का जिक्र किया। इसके अलावा आपको बता दें कि अटल टनल होगी रोहतांग टनल, जो सीधी मनाली से लेह को जोड़ेगी, यानी कि हिमाचल को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगी।